नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन महतो। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता ही होगा कि जेटेट की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है दोस्तों। ऐसे में टेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखना, उनको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले बार जेटेट में पूछे गए मैथ्स के प्रश्नों को और उन प्रश्नों को सॉल्व भी करेंगे दोस्तों। तो आज आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं प्राइमरी लेवल के लिए पूछे गए थे दोस्तों, प्राइमरी लेवल के लिए पूछे गए थे, 1 to 5 के लिए पूछे गए थे, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए पूछे गए थे दोस्तों। अगर आप टेट जेटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को अंतिम तक देखें ताकि यह वीडियो आपके काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्या वीडियो। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया था जेटेट पिछला बार का जेटेट में, 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। देखिए दोस्तों, 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी दोस्तों, ये अनगिनत अनगिनत होगी, इसको हम गिनती नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। मीन्स इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनंत। क्या होगा? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए 3.5 का वर्ग होगा, इसका तो सभी कोई को आंसर पता ही होगा दोस्तों, 3.5 का वर्ग होगा 12.25। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये भी बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था जेटेट में दोस्तों, क्योंकि यह प्राइमरी लेवल के लिए पूछा गया था दोस्तों। इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? यहाँ पर देखिए 27 पूर्ण घन संख्या है, 125 भी है, 1000 भी है, तो पूर्ण घन संख्या यहाँ कौन नहीं है? 63। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2 का पावर 0 जोड़ 3 का पावर 0 को सरल करने पर प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? तो इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 रहता है तो उस संख्या का वैल्यू हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ 2 का पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। जोड़ 3 का पावर 0, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2। हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ऑप्शन किस में है? डी में है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पी क्यू को गुना कर रहा है 6 से, पी क्यू गुना 6 बट्टा बट्टा में देखिए 468 में पी तथा क्यू का मान होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पी और क्यू जो है, पी और क्यू का मान क्या होगा, क्या मान होगा कि ये जो रिजल्ट है हमारा ये सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमको करना ये है कि ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं, पी और क्यू के वैल्यूज़, इनको यहाँ पर रख के देखना है कौन सा वैल्यू, अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं पी और क्यू के जगह पर तो ये रिजल्ट हमारा मिल रहा है 468। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम पहला ऑप्शन से शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पर पी और क्यू के जगह पर 7 और 3 रखते हैं, पी के जगह 7, क्यू के जगह 3 और 6 से गुना कर रहे हैं, तो क्या यह रिजल्ट हमको मिलेगा 468? 6 × 18 = 42 + 1 = 43। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं फटाक से, पी क्यू के जगह पर अगर हम लिख रहे हैं क्या दोस्तों, 7 8 7 8, गुना कर रहे हैं किससे, 6 से, तो क्या हमारा 468 आ रहा है? तो देखिए दोस्तों, 8 × 48 = 42 और 4, 42 और 4 क्या हो जाएगा, 46। जी हाँ, बिल्कुल 468 आ गया। मींस हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों कौन सा होगा? बी। अगर हम पी और क्यू के जगह 7 और 8 रखेंगे तो ये रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछा गया था, x² - 1 में से 1 - x² घटाने पर प्राप्त होगा, मतलब इसमें से इसको घटाना है, क्या प्राप्त होगा? इस तरह के सवाल को हम 2 मेथड से घटाते हैं दोस्तों। पहला तो हॉरिजॉन्टल या फिर कॉलम मेथड, आपको जिसमें सुविधा हो उससे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, हम हॉरिजॉन्टल मेथड से ही घटा रहे हैं। यहाँ पर x² - 1 को घटा रहे हैं किससे, इसको घटा रहे हैं हम 1 - x² से, 1 - x² से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² - 1, ये ब्रैकेट को हम हटाएंगे दोस्तों तो ये 1 को माइनस कर देगा, तो -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x² - में, और ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा x², तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, x² 2x² हो जाएगा, और -1 और ये -1 क्या हो जाएगा,
माइनस टू मीन्स दो एक्स स्क्वायर माइनस टू कौन से ऑप्शन में है? दो एक्स स्क्वायर माइनस टू बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, फटाफट देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। आठ ए का क्यूब है माइनस दो ए का गुणनखंड होगा, गुणनखंड करना है दोस्तों, इसका खंड खंड कर देना है। तो देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉमन क्या क्या आ रहा है, टू ए आठ ए क्यूब, यहाँ पर देखिए दोस्तों इन दोनों में से टू ए कॉमन आ रहा है, टू ए कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, फोर बचेगा, फोर बचेगा और यहाँ पर ए का स्क्वायर बचेगा। चूंकि हम फिर गुना करेंगे दो ए को फोर ए स्क्वायर से, तो हमारा आठ ए क्यूब हो जाएगा और माइनस में यहाँ क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, फोर ए स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर और भी गुणनखंड हो सकता है, आगे और भी गुणनखंड होगा, क्या होगा देखिए, दो ए ब्रैकेट के अंदर में है देखिए दोस्तों, फोर ए स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, दो ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वन, माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फोर ए स्क्वायर के जगह पर क्या लिखा हमने, दो ए स्क्वायर, चूंकि ये स्क्वायर को हम फिर से करेंगे यहाँ, तो दो का स्क्वायर चार हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर। अब ये जो देखिए, ये जो रिजल्ट है किसके फॉर्म में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है, तो यही चीज़ करेंगे। तो वहाँ पर क्या था दोस्तों, वहाँ पर था आपके सामने था टू ए, तो कॉमन हुआ था, टू ए कॉमन हुआ था, अंदर में था हमारा फोर ए स्क्वायर था, तो इसको हमने लिखा था टू ए का स्क्वायर और माइनस में था वन स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ए बी बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आगे देखिए, टू ए प्लस बी मीन्स दो ए प्लस वन होगा, और फिर क्या था ए माइनस बी, ए क्या है हमारा दो ए माइनस बी, बी क्या है वन, तो वन। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट हमारा फाइनली क्या आ रहा है, दो ए टू ए प्लस वन इंटू टू ए माइनस वन, कौन से ऑप्शन में है देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 बराबर वाई प्लस चार को हल करने पर हमें वाई का मान प्राप्त होगा। इस तरह के सवाल जो रहते हैं इनको अक्सर लोग बोला जाता है और बहुत सारे टीचर्स भी बोलते हैं दोस्तों कि यहाँ पर चार को इधर ले जाएंगे, तो चार को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में है उधर माइनस में चला जाएगा, ये बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है दोस्तों। इसको अगर हम इधर ले जाएंगे ये तो बराबर का मतलब क्या रह जाएगा, ये बराबर है, इस बराबर का मतलब है एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर हैं, चार को हम इधर ले जाएंगे तो हो सकता है इधर का वैल्यू जो है कम हो जाए ज़्यादा हो जाए। तो इसका जो मेन मेन जो होता है दोस्तों कारण होता है इसको सॉल्व करने का, वो देखिए इधर प्लस में चार है, तो इसको चार को हम इधर से कैसे हटाएं, चूंकि हमको वाई चाहिए, वाई चाहिए तो हमको करना क्या होता है, चार प्लस में है तो इधर हम माइनस चार करेंगे तो इधर भी माइनस चार करेंगे, तब ये हमारा जो इक्वेशन है संतुलित रहेगा, बैलेंस में रहेगा, तब क्या हो जाएगा, इधर चार करेंगे तो ये चार कैंसिल हो जाएगा और यहाँ चार माइनस सोलह क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस बारह, माइनस बारह होगा और इधर क्या बच जाएगा हमारा वाई, मीन्स वाई का मान क्या हो जाएगा, माइनस बारह, माइनस बारह कहाँ पर है, डी में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए फटाफट देखिए, माइनस तीन एम को गुना करना है इतना से, तो गुना करेंगे डायरेक्टली कितना हो जाएगा, तीन एम को माइनस एम स्क्वायर से करेंगे, तो एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के साथ में संख्या क्या है, एक है, तो तीन एक तीन हो जाएगा दोस्तों, और एम गुना होगा एम स्क्वायर से तो एम क्यूब हो जाएगा। अब देखिए चूंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस भी गुना होकर यहाँ पर इस रिजल्ट को प्लस कर देगा। अब आगे क्या गुना होगा देखिए ध्यान से, तीन एम गुना दो एन, तीन एम गुना दो एन, तो क्या हो जाएगा, तीन दूनी छ और एम एन, चूंकि यहाँ पर तीन एम देखिए माइनस में है, तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है इसको किस में कर देगा, माइनस में कर देगा, माइनस में कर देगा, तो यहाँ पर रिजल्ट हमें क्या मिला, तीन एम स्क्वायर माइनस छ एम एन, कौन से ऑप्शन में है देखिए,
एम स्क्वायर माइनस 6 एम एन। ऑप्शन बी सही होगा। दसवां सवाल देखिए, दसवां सवाल पूछा गया था 32x4 भाग देना है 8x2 से। इसको आप दो मेथड से डिवाइड दे सकते हो। सबसे पहला तो ये जो बेसिक है हमारा, बेसिक नियम है, इससे आप डिवाइड दे सकते हो 32x4, इससे डिवाइड दे सकते हो। तो ये जो 8 है, संख्या वाले को पहले डिवाइड करो। तो यहाँ 32 है, तो 8 8 चौका 32 होगा, मतलब 4 बार में 32 कटेगा। तो ये 32 तो खत्म हो गया, अब यहाँ बच रहा है 1x4, उसको कैसे काटेंगे? तो 1x2 में देखिए, हम 1x2 गुना कर देंगे तो 1x4 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, 1x2, 1x2 होगा ना, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1x4, तो ये भी कट जाएगा। मीन्स कितना से गुना कर रहे हैं, 4x2 से। देखिए यहाँ पर 32x4 जो है माइनस में है, तो ये रिजल्ट भी जो है हमारा भागफल है वो भी माइनस में हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा -4x2। आगे देखिए, मंगल एक संख्या पी सोचता है, मंगल एक संख्या पी सोचता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है, परिणाम को 8 से गुना करता है। देखिए अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मंगल एक संख्या सोचता है पी, संख्या सोच लिया पी, मंगल एक संख्या सोच लिया पी, उसमें 5 घटाकर, तो सोची गई संख्या में 5 घटा दिए, उसमें 8 गुना करता है परिणाम को। तो ये परिणाम हुआ हमारा, इस परिणाम में क्या गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। अब ये जो परिणाम मिला दोस्तों, ये संख्या सोची गई संख्या की तिगुनी है, तो सोची गई संख्या क्या थी हमारी, पी थी, तो पी की तिगुनी है ये जो परिणाम है, सोची गई संख्या की तिगुनी है, 3 गुनी कर दिए। इस समस्या के हल के लिए समीकरण का रूप नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन सा समीकरण इस रूप में नहीं है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, इस संख्या का सही रूप कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बट्टा दिया जा रहा है, इस आधार पर कौन सा कथन सही होगा? 20% बट्टा दिया जा रहा है, मतलब जो अंकित मूल्य है उसमें 20% की छूट दी जा रही है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा, अंकित मूल्य में से 20% रुपये घटेगा, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, एक दर्जन केले का मूल्य 30 रुपये है, तो 360 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे? एक दर्जन केले का मूल्य 30 रुपये, एक दर्जन मिल रहा है, एक दर्जन मिल रहा है 30 रुपया में, तो 560 रुपया में कितना दर्जन मिलेगा दोस्तों? 560 रुपया में कितना दर्जन मिलेगा? 560 को भाग दोगे आप 30 से, तो कितना दर्जन मिलेगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा, भाग दोगे तो 12 आ जाएगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 12। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा इस समूह का नहीं है? तो यहाँ पर घन, घनाभ, आयतन और शंकु, ये देखिए आकार है, शंकु एक आकार है, घनाभ भी आकार है, घन भी आकार है, लेकिन ये आयतन है, ये माप है, माप, आयतन क्या है, माप है, तो ये समूह से अलग है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकलन आकृति में एक्स का मान होगा, एक्स का मान क्या होगा दोस्तों, एक्स का मान क्या होगा? यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो चित्र है यहाँ पर एक्स, ये जो कोण है इसका मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए इसका सामने वाला जो कोण है कितना, 75 डिग्री, तो यहाँ भी ये जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 75 डिग्री, कितना डिग्री, 75 डिग्री। अब आप जानते ही होंगे कि यहाँ से यहाँ तक अगर कोण बनाए हम, तो ये कोण कितना का बनता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये कोण है हमारा 75 डिग्री, तो हम टोटल 180 डिग्री यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ है 75 डिग्री, तो 180 डिग्री में हम इस 75 डिग्री को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला बाकी का जो कोण है वो बच जाएगा, तो 180 माइनस 75 क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 115 हमारा सही आंसर होगा। एक्स की जगह पर कौन सा होगा, 115।
आगे का देखिए, आगे का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है दोस्तों। चित्र 1, चित्र 2, चित्र 2 घर के चित्र 1 का किधर से लिया गया दृश्य है? ये जो चित्र 2 है, ये चित्र 1 का किधर से लिया गया है? सामने से दृश्य, पार्श्व के दृश्य, नीचे से चित्र, ऊपर से चित्र। ये ऊपर से चित्र से लिया गया है दोस्तों, आप ध्यान से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन, चार बच्चियों ने समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया, जिसमें AB 4 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर तथा कोण B 60 डिग्री है, इनमें कौन सा गलत है? तो इसमें कौन सा गलत है दोस्तों? यहाँ जो गलत है वो है D हमारा। D हमारा बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोण B 60 डिग्री, तो यहाँ पर B है तो B कोण बनाएगा अंदर की ओर बनाएगा दोस्तों। यहाँ पर B अंदर की ओर कोण बनाएगा। यहाँ पर B में जो कोण दिखाया गया है बाहर की ओर दिखा रहा है, मीन्स यहाँ पर देखिए कोण अंदर में है, B के अंदर, यहाँ भी अंदर में, यहाँ भी अंदर में। तो हमारा गलत कौन सा फिगर होगा? D। तो ऑप्शन D हमारा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र के अनुसार एक आयताकार मैदान के छायांकित आयताकार भाग में फूल लगाया गया है। चित्र में दिए माप के आधार पर फूल नहीं, उस भाग का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है दोस्तों, ये आयताकार हमारा मैदान है, इस मैदान के अंदर में ये जो छायांकित भाग आप देख रहे हो, इस भाग में फूल लगाया गया है, तो हमें जो क्षेत्रफल निकालने बोला जा रहा है, ये आयताकार क्षेत्रफल, ये आयताकार जो हमारा मैदान है दोस्तों, ये पूरा मैदान है, इस मैदान में इस एरिया को छोड़कर जिस एरिया में फूल लगाया गया है, ये छायांकित भाग, उस एरिया को छोड़कर जो भी क्षेत्रफल बच रहा है, उस क्षेत्रफल का मान निकालना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या दोस्तों, सबसे पहले ये बड़ा वाला जो आयताकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उस क्षेत्रफल में ये छोटे वाला आयताकार भाग है जो छायांकित किया गया है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमें यहाँ जो खाली स्थान है, यहाँ जो खाली क्षेत्र है, वो हमें मिल जाएगा, कितना ये क्षेत्रफल है इसका। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जब करेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर बड़े वाले का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? 5 है हमारा सॉरी 12 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 8 मीटर। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल? क्या हो जाएगा? 12 × 8 क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बड़े वाले का? 8 × 2 = 16, 8 × 1 = 8 और 1 = 9, 96 मीटर स्क्वायर। बड़े वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। छोटे वाले का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? 5 × 15, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, ये लंबाई ये चौड़ाई, 5 × 15 मीटर स्क्वायर। तो 56 मीटर स्क्वायर में 15 मीटर स्क्वायर आप घटाओगे तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा दोस्तों 81 मीटर स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? 81 मीटर स्क्वायर। तो 81 मीटर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला देखिए, अगला 19 नंबर का सवाल देखिए, वर्ग अंतराल 20 से 40 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग अंतराल 20 से 40 का वर्ग चिन्ह होगा, कौन सा वर्ग चिन्ह होगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए 20 और 40 के बीच में कौन सा वर्ग चिन्ह होगा? इस दोनों के बीच में होगा 30। 20 और 40 के बीच में कौन सा वर्ग चिन्ह होगा? 30। लास्ट का क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु का निर्देशांक 0 0 है, मीन्स एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, यह रेखा चित्र ग्राफ पर कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले देखिए, ग्राफ हमारा जो बनता है इस तरह से प्लॉट होता है, ये क्या रहता है दोस्तों? ये ओरिजिन रहता है। यहाँ एक्स का भी वैल्यू 0 रहता है, वाई का भी वैल्यू 0 रहता है, इधर एक्स इधर वाई मान लिया हमने। यहाँ पर क्या रहता है? बीच में रहता है दोस्तों हमारा, बीच में रहता है हमारा ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन रहता है, ओरिजिन में एक्स का भी वैल्यू 0 रहता है, वाई का भी वैल्यू 0 रहता है। तो ये कंडीशन कब रहता है? जब बिंदु का निर्देशांक 0 0 है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो लेखा चित्र है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कहाँ पर स्थित है?
तब के केस में दोस्तों ये हो जाएगा मूल बिंदु पर स्थित है, तभी एक्स और वाई दोनों क्या हैं, जीरो जीरो हैं। कोई भी बिंदु का निर्देशांक जीरो जीरो कब होगा, जब वह मूल बिंदु पर रहेगा। किसके मूल बिंदु पर दोस्तों, ग्राफ या फिर लेखा चित्र है उसके मूल बिंदु पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो अगर आप नए हो हमारे YouTube चैनल पे और आप जेटेट की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जेटेट से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।